सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। भारतवर्ष के लोग भारत शब्द जो है वो कोई अभी भी कई लोग समझते हैं कि शकुंतला के पुत्र दुष्यंत के वीर पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ है, वो बिल्कुल गलत है। व्यक्ति कभी राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती, राष्ट्र ही हमेशा बड़ा होता है। भारत संस्कृत शब्द है, भा का अर्थ होता है प्रकाश, तेज, सत्य, ज्ञान, विवेक, और रथ का अर्थ होता है सराबोर होना, डूब जाना, सराबोर। जो लोग सत्य में, ज्ञान में, विवेक में सराबोर है, डूबे हुए हैं, रचे पचे हैं, उस देश का नाम भारत कहा गया है बोला। और यहां के लोग सत्य के उपासक है भाई, आज भी। कई बार कोई कोई सज्जन लोग आते हैं, सवाल करते हैं कि भाई हम बिजली की चोरी न करें, टेलीफोन की चोरी न करें, गैस की चोरी न करें, पानी की चोरी न करें, बाकी टैक्स की चोरी न करें तो फिर धंधा नहीं चलता, अब हम क्या करें। आज भी सत्य की राह पर चलकर तुम रुपया कमा सकते हो, असल में इसी रास्ते ही कमा पाओगे। गलत रास्ते पर जाओगे तो भाग्य में कुछ दिनन के लिए जो धन संपत्ति लिखी है वो आएगी, वो एक ना एक दिन वापस चली जाएगी, वो टिकती नहीं। लक्ष्मी ही विनय न शोभते, लक्ष्मी तो वहां ही शोभायमान है और वहां ही टिकती है, नहीं तो टिकती नहीं है। बहुत के जीवन में धन संपत्ति आई बाकी चली गई, वो टिकी नहीं। सत्य की उपासना कहने के बाद ये भागवत जो है आगम निगम का परिपक्व फल है, उसी के बारे में बताया है। इस सार है भाई, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में वाणी का खूब विलास हुआ है, शब्दों का खूब भंडारा, शब्दों वाक्यों का खूब खूब विस्तार किया गया है। बाकी आज की तारीख में मानव के पास ना तो समय है ना तो श्रद्धा है, तो क्या करे। बोले इसका सारा का सारा सारांश जो है ना कोई एक ग्रंथ में दे दो। तो मंगलाचरण में बात आई है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम विवत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूवि भावुका। सत्संग इस प्रकार का जो है महाराज, यह आपके कर्म का फल नहीं है, यह ईश अनुग्रह का फल है। रुपया कमाना, प्रतिष्ठा कमाना, परिवार का विस्तार करना, कलेवर करना, ये सब कर्म का फल है। ये जो सत्संग जो है महाराज, वो तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा गया है, इसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ता है।